आपको क्या लगता है ये सीन कैसे क्रिएट किया गया होगा? हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं VFX एंड CGI के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। VFX मतलब विजुअल इफेक्ट्स एंड CGI मतलब कंप्यूटर जनरेटेड इमेज। ये दोनों फिल्म के एंड TV सीरीज के लिए यूज किया जाता है। दीज हेल्प इन क्रिएटिंग स्टनिंग एंड कैप्टिवेटिव विजुअल्स। आपने बहुत सारी मूवीज में VFX एंड CGI का यूज होते देखा होगा, जैसे कि एवेटार, ट्रांसफॉर्मर, बाहुबली एंड सब मार्वल फिल्म्स, और हाल ही में रिलीज हुई आदि पुरुष। इसमें से कुछ अच्छे एग्जाम्पल है और इसमें से कुछ बुरे एग्जाम्पल है। बात करते हैं आदि पुरुष की। What's wrong with its VFX and CGI? Main problem है बहुत ज़्यादा VFX shot होना। हाँ जी, इसमें करीब 4000 VFX shot हैं, जो बहुत ज़्यादा है for a budget of 600 करोड़ यानी $65 million। For example, Avengers Endgame में 2600 VFX shots थे, उसका budget 200 million था, और आप देख सकते हैं इसका कितना बेहतर result निकल के आया था। लेकिन आप इसी सेम $65 million के बजट में बनी Hellboy 2019 की मूवी देख सकते हैं। इसके CGI एंड VFX इतने रियलिस्टिक लगते हैं। इट्स नॉट अबाउट बजट, इट्स अबाउट विजन इन द वर्क। सेकेंड चीज़ है ओवर यूज ऑफ VFX। इस ओवर यूज़ ने ओवरऑल बैड रिजल्ट दिया है। बैड डिटेलिंग को छुपाने के लिए डार्क कलर ग्रेडिंग का यूज़ किया है। बात करते हैं 3D मॉडल्स की। इसमें यूज्ड 3D मॉडल्स रियलिज्म से बहुत दूर हैं और उनकी फिजिकल मूवमेंट लैक फिजिक्स। शेडो वर्क तो भूल ही जाओ। और अपने बहुत पॉपुलर हो रही रावण वाली मीम तो देखी होगी। रावण के 10 सर का जो इन्होंने डबल डेकर बनाया है क्रिएटिव लिबर्टी के नाम से, वो भी इनसे अच्छा नहीं बना। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसे पिक्सआर्ट में बनाया है। तो प्रॉपर मास्किंग हुई है ना, इसका परफेक्ट 3D मॉडल बना है। जैसा कि आपने पहले ट्रेलर में चमगादड़ देखा था, वो अभी भी सेम का सेम वैसा ही है। बस उसकी गलतियां छुपाने के लिए उसे डार्क कॉन्ट्रास्ट में डाल दिया है। इसमें एक सीन है जहां फ्लावर को हैंडओवर किया जा रहा है, एंड गेस व्हाट, वो भी 3D मॉडल था। कम से कम एक तो प्रॉप बना लेते, इतना पैसा बच जाता। जब इसे हैंड टू हैंड पास कराया जा रहा था तो इसमें एक मूवमेंट शेक होता है। उन्होंने उसे अचीव करने के लिए कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट शेक कर लिया, और वो इतना वियर्ड लगता है देखने में कि क्या बताऊँ। बहुत हो गई बुराई, अब करते हैं कुछ अच्छे सीन्स की बात। इसमें एनवायरनमेंट है, उस पर अच्छा काम किया गया है। खासकर जो दिन वाला एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी अच्छा वाला काम किया है। इसमें एक सीन है जहाँ पर भगवान राम एक एरो खींचते हैं जिसे डिवाइन एरो कहते हैं, और उनमें डिवाइन पावर आ जाती है और एक गोल्डन आर्मर अपीयर होता है। वो काफ़ी अच्छा सीन था और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसमें और भी कुछ अच्छे अच्छे सीन्स हैं। ओवरऑल ये एक एवरेज मूवी है। इसमें कुछ डायलॉग्स एंड सम रॉन्ग डिपिक्शन ऑफ करेक्टर को ठीक करें तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बन सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।